किती ऊंचा पडली अन्न दशन बाकी आहे पाणी ऑन तो गाइस शुरू हो चुका है रॉयल रंबल का ये मैच। रॉयल रंबल के मंच पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ऑलमाइटी बॉबी लेसली, और दोनों में ओ यहाँ पर एक घुटना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। ब्रॉक लेसनर ट्रेनिंग के साथ आए हैं और ये ट्रेनिंग के साथ आए हैं और जा रहे हैं जर्मन सुप्लेक्स के लिए। बॉबी लेसली काउंटर करते हुए और एक लगाई पट्टी इन्होंने और अपने आप को बचाते हुए ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर कुछ ज़्यादा खतरनाक और लगता है ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा दिमाग है बॉबी लेसली में, और वो इसी दिमाग का फ़ायदा उठा रहे हैं। बॉबी लेसली अभी काम ले रहे हैं दिमाग से, यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से फेंक दिया ब्रॉक लेसनर ने। ब्रॉक लेसनर और जर्मन सुप्लेक्स देना चाहते हैं और एल्बो और थ्री फोर फाइव एल्बोज देके यहाँ पर डोमिनेट कर दिया। ब्रॉक लेसनर ने किया काउंटर शानदार। यूएफसी स्किल्स दिखा रहे हैं दोनों की, दोनों प्लेयर दोनों यूएफसी में रह चुके हैं। जर्मन सुप्लेक्स ऑन द बीस्ट, पहली बार हो रहा है मैच। ये देखो कैसे चिल्ला रहे हैं ब्रॉक लेसनर। ओ बॉबी लेसली पीछे से उठ चुके हैं, ब्रॉक लेसनर को पता ही नहीं है कि क्या है। और स्पीयर कनेक्टेड, स्पीयर आ चुका है। ब्रॉक लेसनर अभी उठ गए हैं, ब्रॉक लेसनर में अभी कुछ ध्यान है अभी ब्रॉक लेसनर में, पर ऑलमाइटी जा रहे हैं। अगर सेकंड स्पेयर पड़ा था ब्रॉक लेसनर का खेल गेम ओवर। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर डाउन, ब्रॉक लेसनर कितनी ऊंचा पर जर्मन सुप्लेक्स, क्या जर्मन सुप्लेक्स दिया ब्रॉक लेसनर ने और डोमिनेट हो गए काफी ज्यादा ऑलमाइटी बॉबी लेसली। अनदर जर्मन सुप्लेक्स, उनका हाथ पड़ा था दीवार पे कॉर्नर पे। ब्रॉक लेसनर रॉर, लेसनर चिल्लाते हुए ज्यादा डोमिनेटिंग। ब्रॉक लेसनर द रियल जर्मन सुप्लेक्स, दोनों की दोनों डोमिनेटिंग रेसलर हैं, पर बॉबी लेसली की फिलहाल अभी कोई काम चल नहीं रहा है। ब्रॉक लेसनर के आगे की ब्रॉक 45 जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लेसली को। अगर आपको पता पड़े कि इस मैच में कितनी जर्मन सुप्लेक्स है तो कमेंट में बता देना, पर ये नंबर 6 मेरे ख्याल से।
नंबर सिक्स जर्मन सुप्लेक्स हमारे ख्याल से और एक और धागा। गलत भी हो सकता है पर आप कमेंट में जरूर से बता देना। पर यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं ब्रॉक लेसनर बॉबी लेसली पे, बॉबी लेसली पर भारी पड़ गए हैं काफी हद तक। ब्रॉक लेसनर भी चालू हो चुका है ब्रॉक लेसनर के लिए, बीस की बॉल जा रहे हैं एफ फाइव के लिए, क्या आ सकता है एफ फाइव बॉबी लेसली हार्ट लॉक टैप आउट ब्रॉक लेसनर के टैप आउट करेंगे ब्रॉक लेसनर टैप आउट क्या हार मान लेंगे गोली मारते हुए यहां पर ब्रॉक लग रहा है ब्रॉक लेसनर में अभी भी जान बाकी है पर यहां पे क्लैश कर दिया है यहां पर ऑलमाइटी ने ऑलमाइटी समझ गए थे कि ब्रॉक लेसनर निकल जाते उससे पहले उन्होंने पटक दिया यहां पे ऑलमाइटी का नियंत्रण ले लिया है। ओ जा रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग सुप्लेक्स के लिए लॉन्ग ब्रॉक लेसनर यहाँ पे काउंटर और एक सुप्लेक्स फिनिशर मैन सुप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है सुप्लेक्स को ब्रॉक लेसनर ने दे दिया यहाँ पर फिनिशर मैन सुप्लेक्स बॉबी लेसली को काफी हद तक डोमिनेट बॉबी लेसली गोइंग टू F5 सेकंड टाइम कोशिश है ब्रॉक लेसनर की F5 आएगा तो F5 नॉट कनेक्टेड the ball by the close line the thunder is close line Brock Lesnar ne de diya close line kafi zyada dominant kya ghuma diya tha close line deke Bobby Lashley ko kafi zyada gusse mein aaya mujhe lag raha hai yahan pe abhi yahan par nirantar Brock Lesnar ne le liya hai kya title defend title retain kar payenge Brock Lesnar keh rahe hai suplexity bitch आ चुका है सुप्लेक्स ये आठवीं जर्मन सुप्लेक्स के साथ ब्रॉक लेसनर आठ या सात जो भी कहें पर तुम जरूर से बता देना कमेंट में। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ पर यहाँ पर होल्ड कर लिया है ब्रॉक लेसनर ने होल्ड करके रख लिया बॉबी लेसली को क्योंकि डाउन हो चुका है मैं किस साइड से वो किस तरीके से उठा दिया है और यहाँ पर फेंक रहे हैं ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग मूव दे रहे हैं दोनों के दोनों रेसलर अपनी ताकत दिखाते हुए एक दूसरे को ब्रॉक लेसनर को आने वाला है एक और जर्मन सुप्लेक्स ये क्या काफी घातक तरीके से दिया लेकिन हाँ जर्मन सुप्लेक्स काफी ज्यादा गर्दन पर यहाँ पे नेक पे इंजरी हो सकती है ऑल माइटी के लिए बहुत ज्यादा अनदर जर्मन और यहाँ पर काफी ज्यादा घमासांड युद्ध चल रहा है दोनों रेसलरों के बीच आने वाला और ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स कंप्लीट कर लिया है ब्रॉक लेसनर ने और इसी के साथ ब्रॉक लेसनर को काफी ज्यादा थकान हो गई है क्या बीस्ट इनकार्नेट रिटेन कर पाएंगे अपनी चैंपियनशिप वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल कर पाएंगे रिटेन ब्रॉक लेसनर अभी बॉबी लेसली तो अब तक डाउन है थोड़े बहुत क्योंकि उनके शोल्डर पर लगा नी टू रिप्स जित पर वार करते आए ब्रॉक लेसनर जा रहे हैं F5 के लिए अगर ये F5 कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर हार सकते हैं ऑलमाइटी F5 यहाँ पर पढ़ने वाला था लेकिन बॉबी लेसनर ने यहाँ पर घुसेड़ दिया है दीवारों के बीच में ऑलमाइटी ने बॉबी लेसनर अपनी ताकत दिखा दी है द पावर बॉबी लेसली और सेकंड टाइम बॉबी लेसली भी अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को रिप पे वार हो गए बॉबी लेसली है काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं पर इसके बावजूद भी ब्रॉक लेसनर को इतनी आसानी से उठा लिया है ऑलमाइटी बॉबी लेसली ने पावर स्लैम दे दिया है यहाँ पर बॉबी लेसली ने मानना पड़ेगा इतने ज्यादा डोमिनेट होने के बावजूद भी इतने सारे डोमिनेटिंग मूव दे रहे हैं बॉबी लेसली भी कम नहीं है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जा रहे हैं स्पेयर के लिए एक और दोनों की दोनों रेसलर एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे लेसनर यहाँ पे घुटना सर पर मार दिया है ऑलमाइटी के काफी ज्यादा नी टू हेड दे दिया है ब्रॉक लेसनर ने काउंटर करते हुए और एक F5 कनेक्टेड थ्री होने ही वाला था लेकिन किक आउट किया बॉबी लेसली ने टाइटल मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये थ्री हो ही गया था पर ऑलमाइटी ने आखिरी वक्त पर अपनी किया है किक आउट
अपने टाइटल को रिटेन करने के करीब थे ब्रॉक लेसनर, नहीं हो पाया। बहुत देखने को मिलेंगे न्यू चैंपियन ऑलमाइटी, ऑलमाइटी न्यू चैंपियन बनेंगे, ये तो देखा जाएगा आगे। और इस वक्त तो ब्रॉक लेसनर भी अपनी ताकत दिखाते हुए ने नीचे से ही उठा लिया है, कितनी आसानी से उठा लिया ब्रॉक लेसनर ने। और रॉयल रंबल पेपर व्यू काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा है, ड्रीम मैच है, पहली बार हो रहा है। ये लोग कई सालों से चाहते थे लेकिन अब हो रहा है इन दोनों अपोनेंट में ये मैच, इसलिए मजा आ रहा है देखने में। कॉर्नर पर घुसेड़ दिया है ऑलमाइटी ने, अब ये क्या करने जा रहे हैं, ऑलमाइटी ओवर हेड प्रेस करने जा रहे हैं, ओवर हेड प्रेस कर रहे हैं, अपने सर पर उठा लिया है, फिर से उठा लिया है, पूरा ओवर है उठा लिया है। ओ फिर से थोड़ा बहुत गिरने वाले थे ब्रॉक लेसनर, और फिर से यहाँ पर नियंत्रण लिया है, काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। बॉबी लेसली का एक हाथ थोड़ा डोमिनेट है, इसलिए तानने में मुश्किल हो रही है। ओ फिर से अब यहाँ करने से हार नहीं हुई है, अभी भी ऑलमाइट की कोशिश करती रहनी चाहिए। पूरा लिफ्ट कर लिया है, देखिए किस तरीके से लिफ्ट किया बॉबी लेसली, की ताकत का जवाब नहीं। और एक यहाँ पर ओवर हेड स्लैम दिया है बॉबी लेसली ने, क्या कवर करेंगे, नहीं कवर करने की हालत नहीं है अभी। ब्रॉक लेसनर हो चुके हैं डाउन, ऑलमाइटी क्या मूव था, इतनी देर तक आम बात नहीं होती है ओवर हेड प्रेस देना किसी को भी, किसी भी रेसलर को। तो बॉबी लेसली ने कर दिखाया है यहाँ पर, पर अब वो अगर कनेक्ट हो गया स्पेयर तो कर दिखाएंगे वो वर्ल्ड न्यू WWE चैंपियन। देने आ रहे थे लेकिन कन्वर्ट टू F5, यहाँ फिर से उतरे और फिर से भगा दिया है। अब तो खेल खत्म हो सकता है ब्रॉक लेसनर का, न्यू चैंपियन बॉबी लेसली, कवर 1-2 न्यू चैंपियन। ओह नो नो, टाइटल के करीब थे ब्रॉक, वो सॉरी बॉबी लेसली, लेकिन अपनी टाइटल बचाने के लिए किया किक आउट ब्रॉक लेसनर ने। आखिरी वक्त पर ब्रॉक लेसनर ने किया है किक आउट। अब बॉबी लेसली एक बार स्पीयर के लिए जा रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में क्योंकि बहुत ज्यादा करीब थे बॉबी लेसली। अगर ये स्पीयर कनेक्ट तो यहाँ पर न्यू चैंपियन देखने को मिल सकता है। ओह ये तो कनेक्ट स्पीयर, अब वो यहाँ पर खेल कवर 1-2 ब्रॉक लेसनर, लेसनर किक आउट, ये कैसे कर लिया ब्रॉक लेसनर ने, ब्रॉक लेसनर ने कैसे। बॉबी लेसली हो चुके हैं शॉक, काफी ज्यादा थे, बिलीव नहीं हो रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर लिया है, 3 स्पेयर में कर लिया है किक आउट लेसनर ने, मानना पड़ेगा। ठोक चुके हैं ऑलमाइटी, ऑलमाइटी हो चुके हैं काफी ज्यादा शॉक, और कह रहे हैं 1 more, अब एक और बार देने जा रहे हैं, ये चौथी बार पढ़ने जा रहा है, ये भी करेक्ट होता तो ब्रॉक लेसनर इसको नहीं खेल पाएंगे। अब वो अब स्पेयर देने चाह रहे थे, अब मन बदल लिया है बॉबी लेसली ने, लेसनर की तरह उछल रहे हैं ब्रॉक लेसनर का वो कर रहे हैं एक्शन, और F5 देना जा रहे हैं, देने जा रहे हैं अब उन्हीं के फिनिशर से उनको हराना चाह रहे हैं बॉबी लेसली, क्या उपाय कनेक्ट। वो लेसनर ने उतर के किया काउंटर, और ये तरीके से हाथ मरोड़ा कंधे पर ब्रॉक लेसनर, F5 क्या हारेंगे या किक आउट कर पाएंगे लेसली। यहाँ पर हो चुका है 1-2-3 यहाँ पर टाइटल रिटेन कर लिया है ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन।